जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग बुद्धि के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि ये टॉपिक हम लोग पूरी तरीके से कम्प्लीटली जो है समाप्त उसको करेंगे। इसमें कहीं से कोई भी जो है टॉपिक, कोई भी यूनिट हम बुद्धि से रिलेटेड जो है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में जो है हम लोगों ने देखने का, जानने का प्रयास किया कि बुद्धि बेसिकली है क्या, उसकी अर्थ और परिभाषाओं को हम लोगों ने बखूबी समझा। क्लासेस के बाद जो है टेस्ट के माध्यम से, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मेरी ये कोशिश रही कि जो क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया हम लोग उसका अच्छे से जो है एक प्रैक्टिस भी कर लें, ताकि आप लोग जो स्टडीज कर रहे हैं, जो परिभाषाओं को लर्न कर रहे हैं, हम लोग उसको ठीक तरीके से उसके एनालिसिस कर पाएं। अब अर्थ और परिभाषाओं के बाद जो तीसरा टॉपिक हम लोग बुद्धि के अंदर वो हम लेंगे बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं। अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि की परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ लिया था, बुद्धि का जो है वो अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की कक्षा में जो है हम लोग बुद्धि की विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। और बुद्धि की विशेषताओं पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बुद्धि की यानी कि इंटेलिजेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा, बहुत सारे हो सकते हैं। जो विशेषताएं हैं वो कई प्रकार की होती हैं। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जरूरी नहीं केवल इतनी ही विशेषताओं तक जो है हमारा बुद्धि या हमारा इंटेलिजेंट सीमित रहे। इसके अलावा भी अगर किसी किताब में, किसी बुक में, किसी नोट्स में अगर आपको और भी विशेषताएं आपको मिलती हैं तो आप साइमल्टेनियसली उनको उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। जो सबसे पहली और मूलभूत जो विशेषता होती है वो क्या होती है, बुद्धि वंशानुक्रम से अर्जित होती है। बुद्धि क्या होती है, जो सबसे पहली विशेषता होती है वो क्या होती है, वंशानुक्रम से अर्जित होती है। अर्थात अगर हम लोग दूसरे हैंड पे जाएं और एक अलग जो है एक और शब्द में इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो यह एक जन्मजात गुण होता है। ठीक है, बुद्धि जो है अगर हम लोग देखें, अगर वंशानुक्रम से अर्जित किया जाता है या वंशानुक्रम के थ्रू हमें प्राप्त होता है, ये एक हेरिडिटिकल प्रोसेस होता है। अगर हम लोग उससे प्राप्त करते हैं तो इसका एक दूसरा प्रतिरूप अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये एक जन्मजात गुण के रूप में जो है हमारे सामने आता है। अर्थात जब से जो है भ्रूणावस्था का आरंभ होता है, बुद्धि जो है उसी समय से क्या होती है, धीरे 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 विकसित होती रहती है। अगर आप ध्यान दें और अगर हम लोग जो है थोड़ा सा किस्से और कहानियों में जो है वो जाने का प्रयास करें तो किस्से और कहानियों के माध्यम से जो है हम लोग बुद्धि को एक समझ, अपनी एक उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें तो आपको ध्यान होगा अभिमन्यु जैसा एक चरित्र, एक कैरेक्टर जो है वो एक कहानी में आता है। किसमें आता है, महाभारत में, जिसके अंदर जो है गर्भ धारण के पश्चात अर्थात जन्म से पूर्व ही जो है गर्भ के अंदर ही उन्होंने जो है जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ना कैसे है, अपने पिता के द्वारा कहे गए शब्दों को जो है जो माता उनकी सुन रही थी गर्भ के अंदर, उन्होंने भी वो जो है वो सुना और उसको जानने का प्रयास किया। और जन्म के बाद जो है उनको पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन उस समय पे जो उन्होंने सुना था उसके बेसिस पे जो है वो चक्रव्यूह के अंदर जो है वो घुस गए थे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि जो है वो बिल्कुल ऑल सडन आ गई कि चलो तोड़ लेते हैं, नहीं। बुद्धि जो है जब से भ्रूणावस्था आरंभ होती है, भ्रूण के आरंभ से ही जो है वो बुद्धि का विकास आरंभ हो जाता है। और ये जो है एक हेरिडिटिकल प्रोसेस होता है माता और पिता के द्वारा जो है वो बच्चों के अंदर
ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हो जाता है, उनके अंदर समाहित हो जाता है। तो जो सबसे पहला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक या पहली जो विशेषता हम लोग बुद्धि की देखेंगे, ये क्या होता है, ये वंशानुक्रम के द्वारा जो है अर्जित किया जाने वाला गुण होता है, जो इंटेलिजेंस के रूप में किसी बालक के अंदर मौजूद होता है। दूसरे पे आते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट हमें ये कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगर हम लोग इंटेलिजेंस की बात करते हैं और इंटेलिजेंस को जो है समझने का प्रयास करते हैं, तो पहले भी जो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं पढ़ी थी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग थिंकर्स के द्वारा जो परिभाषाएं प्रदत्त की गई हैं बुद्धि को लेकर के, अगर आप उसका एनालिसिस करें, एक क्विक रिकॉल करें, आप याद करने की कोशिश करें, उनको अगर यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करें, तो हमने बहुत सारी जगहों पे ये चीज देखा था कि कुछ भी सीखना, जहां पे भी कोई व्यक्ति कुछ सीखने का प्रयास करता है और सीख करके जब उसका प्रतिफल हमारे सामने प्रस्तुत करता है, तो उस प्रतिफल का जो जरिया बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं या बुद्धि उसको हम कहते हैं। तो अगर हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए तो वो क्या होता है, बुद्धि सीखने की क्या होती है, एक योग्यता होती है, और सीखने की इस योग्यता को विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है वो पहले ही डिफाइन किया जा चुका है, जिनमें गाल्टन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा था, अगर हम परिभाषाओं में जाएं, गाल्टन की परिभाषाओं में जाएं, तो आपको याद होगा कि गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति होती है। गाल्टन की परिभाषा में अगर हम लोग जाएं, तो उन्होंने स्वयं इस बात को जो है परिभाषित किया था बुद्धि को लेकर के, कि बुद्धि जो है वो पहचानने और सीखने की शक्ति होती है। सेम अगर हम लोग बकिंघम की परिभाषा में जाएं, जो परिभाषा हमने पढ़ा था, बकिंघम की परिभाषा को भी अगर हम लोग वापस से रिव्यू करने की कोशिश करें, तो उनके अनुसार सीखने की शक्ति ही क्या होती है, बुद्धि होती है। अगर हम लोग सिंपल सा बकिंघम की परिभाषा को भी देखने का प्रयास करें, तो उन्होंने सीधे शब्दों में इस चीज को जो एक्सप्लेन किया कि जो सीखने की शक्ति होती है वही क्या होती है, बुद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार से जो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, बुद्धि सीखने की क्या होती है, योग्यता होती है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज्यादा एबिलिटी होती है लर्न करने की, या उसके अंदर जितनी योग्यता होती है सीखने की, वह व्यक्ति उतना ही क्या होता है, बुद्धिमान होता है। क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग वातावरणीय क्षणों में, अलग अलग पर्यावरणीय प्रवेशों में, जब उस तरीके के व्यक्ति जो है वो क्रियान्वित होते हैं, तो किसी भी क्रिया को करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के नवीनतम या प्राचीनतम जो भी उनके सामने चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे सीखने वाले, दे ऑल आर गुड लर्नर्स, वो बहुत अच्छे सीखने वाले व्यक्ति होते हैं। और सीखने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, दे ऑल आर सेल्फ मोटिवेटेड, वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड है यानी कि स्वप्रेरित हैं, तो स्वप्रेरित हैं इसलिए चैलेंजेस वो एक्सेप्ट करते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है, उनके अंदर योग्यताएं होती हैं, किसकी होती हैं, सीखने की। यही हमारे सामने एक विशेषता के रूप में आती है, किसकी विशेषता के रूप में, बुद्धि की विशेषता के रूप में। तीसरा हम आते हैं, थर्ड जो विशेषता है वो क्या है, विभिन्न प्रकार के भूतकालीन कार्यों से सीखने की योग्यता बुद्धि है। विभिन्न प्रकार के भूतकालीन कार्यों से, भूतकालीन कार्यों से तात्पर्य क्या हुआ, जो भूतकालीन कार्य हैं, दिस इज पास्ट वर्क, यानी कि पहले कोई कार्य किया गया है, उस कार्य में किस तरीके के परिणाम सामने आए हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव
और नेगेटिव, किस तरीके का वो सकारात्मक परिणाम सामने लेकर के आया या नकारात्मक परिणाम सामने लेकर के आया। परिणाम चाहे जो भी है, अगर सकारात्मक आता है तो भी हमें कुछ सीख देता है, उसका जो प्रतिफल है हमें उन्नति के पथ पर पहुंचाता है। अगर परिणाम नकारात्मक होता है तो नकारात्मक परिणाम भी हमें क्या करता है, एक सीख देता है, और उस सीख के बेसिस पे हम एक अलग तरीके से अपना पैटर्न चेंज करते हैं, हम थोड़ा नजरिया बदलते हैं उस कार्य के प्रति, और एक अलग नजरिए से फिर से वापस उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं हम आगे जाके सफल होते हैं। अगर उस कार्य में सफलता पुनः प्राप्त नहीं होती है, अगर आप कोई कार्य जो है भूतकालीन अपने कार्यक्रमों से या भूतकालीन परिणामों से सीख लेकर के पुनः उस कार्य को करते हैं और उसमें अगर वापस आपको सफलता नहीं मिलती है, तो एटलीस्ट कहाँ पे, किस जगह पे कमी आ रही है, क्या हमारे उन कार्यों के प्रति दोष हैं, ये सभी क्या होता है, जानने का आपको जो है एक जरिया मिलता है, एक मौका मिलता है, जिसको सुधार करके पुनः आप उस पर क्या हो सकते हैं, क्रियाशील हो सकते हैं। तो अगर हम तीसरे पॉइंट में आ रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के भूतकालीन कार्यों से सीखने की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, बुद्धि होती है। ये इसकी एक और विशेषता हमारे सामने आई। नेक्स्ट आइए पांचवा, चौथा सॉरी, बुद्धि एक अमूर्त चिंतन है। बुद्धि एक अमूर्त चिंतन है, अर्थात अगर हम लोग अमूर्त चिंतन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में है, ठीक है। बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन है, अर्थात इसके अंदर किसी भी तरीके की प्रत्यक्षता नहीं है। प्रत्यक्षता से तात्पर्य आपके सामने बिल्कुल जो आप एक कल्पना बना रहे हैं, एक किसी वस्तु को लेकर के, किसी कार्य को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उस दिमाग में चलने को केवल आप जो विजुअलाइजेशन है उसका एहसास कर सकते हैं। वो घटनाएं आपके सामने घटित नहीं हो सकती हैं, वो आप केवल और केवल सोच सकते हैं, अपने सोच का दायरा जहां तक पहुंचा सकते हैं वहीं तक आपके क्रियाशील होता है, उसको एज इट इज एक्ट के फॉर्म में आप अपने सामने नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ना ही उस पर्टिकुलर कार्य के प्रति जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं, उसके प्रतिफल की आप 100% पुष्टि कर सकते हैं कि ये सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। तो ऐसे कार्य या ऐसे पल या ऐसे क्षण जिनमें किसी भी तरीके की प्रत्यक्षता नहीं है, अर्थात आपके सामने वो पूरी तरीके से दृष्टिगत नहीं है, ऐसे कार्यों को जो करने की योग्यता होती है, ऐसे कार्यों पे जो सोचने की योग्यता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। और इसकी विशेषता है कि अमूर्त चिंतन करता है, यानी कि मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप में जो है हम लोग प्रत्यक्ष रूप में इसको नहीं देख सकते, इसको नहीं समझ सकते हैं, केवल चिंतन के द्वारा जितनी दूर तक, जितना वाइड हम सोच सकते हैं उतना सोचते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो जो चौथी विशेषता है बुद्धि की क्या है, ये एक अमूर्त चिंतन होता है जिसका कोई भी प्रतिरूप नहीं होता है। नेक्स्ट पांचवा हम आते हैं, पांचवा है परिस्थितियों के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। बुद्धि की एक और विशेषता क्या होती है, जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, जिस तरीके का वातावरण होता है, उनके साथ वो क्या करती है, क्रिया करती है। जो बुद्धि है वो क्या करती है, क्रिया करती है। और क्रिया करने के बाद देखिए एक शब्द आया है यहाँ पे, सामंजस्य स्थापित करना।
तो ये जो सामंजस्य है, ये सामंजस्य किसके साथ स्थापित होता है? तो सामंजस्य स्थापित करने में दो तथ्य जो है हमारे सामने परिकलित होते हैं, यानी कि दृष्टिगत होते हैं। पहला क्या होता है? भूतकालीन अनुभव, और दूसरा होता है वर्तमान वातावरण। ठीक है, भूतकालीन जो अनुभव होता है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके साथ, और जो वर्तमान में हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो वर्तमान वातावरण है, प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, उनके साथ, इन दोनों के साथ क्या होता है? एक सामंजस्य अर्थात तारतम्यता जो है वो बिठाने का प्रयास होता है। और ये स्थापित कौन करता है? ये स्थापित करता है इंटेलिजेंस और ये जो है इसकी क्या हो जाती है फिर एक विशेषता के रूप में जो है हमारे सामने दृष्टिगत होता है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में है कि सामंजस्य जिस भी वातावरण में व्यक्ति होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे जब वो नवीन वातावरण के साथ क्रियाएं करता है, उनको जानने समझने का प्रयास करता है, तो वो जो विशेषता होती है वही क्या होती है? बुद्धि की विशेषता होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को सामंजस्य में ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी विशेषता हो गई थी? पांचवी। अब छठी विशेषता पे आते हैं। छठवां, विभिन्न योग्यताओं का समूह बुद्धि है। विभिन्न योग्यताओं का समूह क्या है? बुद्धि है। विभिन्न योग्यताओं से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे जो विभिन्न योग्यताएं आती हैं, वो विभिन्न योग्यताएं कई प्रकार की हो सकती हैं, अर्थात सोचना, विचार करना, सुनना, बोलना, प्रतिक्रिया देना, प्रतिपुष्टि करना, और भी बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये योग्यताएं होती हैं। किसके अंदर होती हैं? ये व्यक्ति के अंदर होती हैं। तो ये जो योग्यताएं हैं, इनका ये जो अलग अलग बंचेस हैं, इनको जब हम कंपाइल करते हैं और एक जगह पे लेते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग एक शब्द में अगर देखने का प्रयास करें तो बुद्धि एक बास्केट की तरह है, जिसमें विभिन्न प्रकार के योग्यताओं के रूप में जो है हमारे पास इंग्रेडिएंट उपलब्ध होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है, जो बुद्धि की एक विशेषता के रूप में जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने अभी छह विशेषताएं जो है वो बताई। नेक्स्ट हम आते हैं सातवीं विशेषता पे। सातवीं विशेषता पे आते हैं, बुद्धि से लिंग भेद कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग बुद्धि की विशेषता पे आए तो मैं ये जो अभी सातवां नंबर आपको पढ़ा रही हूं, ये बिल्कुल जो है ये डिफरेंट तरीके का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रही हूं। बुद्धि से लिंग भेद कभी भी प्रभावित नहीं होता है। लिंग भेद की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दोनों लिंगों को लेते हैं, स्त्री और पुरुष। कहीं पर भी किसी भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा, किसी भी विद्वान के द्वारा,
किसी भी रचनाकार के द्वारा, किसी भी लेखक के द्वारा कहीं पे भी इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है कि स्त्रियों में कितने परसेंट बुद्धि जो है पुरुषों से ज्यादा होती है। तो इंटेलिजेंस किसमें कितना ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, ये चीज आपको कहीं भी देखने में नहीं आता है। जबकि हम व्यवहार की बातें करते हैं तो व्यवहारों में विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यवहार जिसमें जैसे सीखने की कलाएं हैं, विभिन्न प्रकार की प्रत्यास्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो मैंने आपको जो है ये योग्यताएं बताई, इन योग्यताओं में भिन्नताएं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं, हम लिंग भेद के बेस पे जो है वो बुद्धि को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जो बुद्धि है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में जो है इंटेलिजेंस जो है, जितना ज्यादा व्यक्ति सीखता है, जितना ज्यादा व्यक्ति अपने सीख को प्रदर्शित करता है, उसका इंटेलिजेंस क्या होता है उतना अधिक बढ़ता जाता है, एज पर जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट जो हमारे हैं, जिन्होंने इतनी सारी डेफिनेशंस दी, जिन्होंने बुद्धि के ऊपर इतना वर्क किया, उनके अनुसार जितना ज्यादा आप सीखेंगे, आपके सीख का दायरा जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपके इंटेलिजेंस का स्तर, आपके इंटेलिजेंस का जो स्टेज है वो उतना ही अच्छा और डेप्थ में जाएगा। ये कथन जो है हमारे मनोवैज्ञानिकों का है, लेकिन उसके बेसिस पे आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि स्त्रियों में इतना ज्यादा जाएगा या पुरुषों में इतना जाएगा। मानव में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जो जितना ज्यादा सीखेगा वो अपने सीख से जो है उतने ज्यादा बुद्धि को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ये कभी भी जो है बुद्धि, सबसे बड़ी विशेषता तो क्या है कि लिंग भेद से कभी ये प्रभावित नहीं होता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि पुरुष जो है इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, स्त्रियां इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, इस तरीके की चीजें हम लोग इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो ये जो है कुछ मोटी मोटा जो है वो बुद्धि की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको कराने की कोशिश की। वंशानुगत होता है, हेरिडिटिकल होता है, एक व्यक्ति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, और इस तरीके से हमारा क्या होता है, इंटेलिजेंस जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। सीखने की योग्यता होती है, आपको पता है, ये हमने विभिन्न प्रकार के अपने जो मनोवैज्ञानिकों के डेफिनेशंस थे उनमें भी हमने इन पॉइंट को क्या, इस पॉइंट को क्या किया है, प्रूफ किया है। विभिन्न प्रकार के भूतकालीन जो कार्य हमने किए हैं उनसे कुछ सीख लेने की योग्यता क्या है, हमारी बुद्धि है। बुद्धि एक अमूर्त चिंतन है जिसका कोई भी प्रतिरूप नहीं है, जिसका कोई भी प्रत्यक्ष रूप नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप में होती है। नेक्स्ट, परिस्थितियों के अनुरूप वातावरण के साथ एक तारतम्यता बिठाना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, सामंजस्य स्थापित करना, ये बुद्धि का जो है एक विशेषता के रूप में जो है हमारे सामने आती है। विभिन्न योग्यताओं के समूह को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, या बुद्धि वो होती है। विभिन्न प्रकार की कैपेबिलिटीज मनुष्य के अंदर होती हैं, और जब उन कैपेबिलिटीज को एक साथ समाहित करके उनका प्रयोग करके किसी कार्य को करने की कोशिश की जाती है तो वो क्या होते हैं, बंचेस ऑफ वर्क जो है वो होते हैं, और वही हमारा जो है वो क्या होता है, बुद्धि है। और लास्ट जो है, बुद्धि का किसी भी तरीके के लिंग भेद से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका जो भाव है, इसकी जो प्रत्यास्थता है, या इसके जो फीचर्स हैं, दोनों ही लिंगों के लिए एक जैसे होते हैं। तो ये हमारी जो है वो बुद्धि की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।